नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी। और सबसे पहले बात करेंगे शेयर मार्केट की। विदेशी शेयर बाजारों में गिरावट के चलते घरेलू शेयर बाजार में गिरावट गहरा गई है। निफ्टी 20 महीने के बाद 7,300 के नीचे फिसल गया है। फिलहाल बीएससी का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 410 अंक की गिरावट के साथ 24,070 के स्तर पर आ गया है। एनएससी के बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 2 जून 2014 के बाद 7,300 का स्तर तोड़ दिया है। साथ ही सेंसेक्स भी 24,000 को तोड़ने के बेहद करीब पहुंच गया है। ग्लोबल ग्रोथ को लेकर उठती चिंता और क्रूड में तेज बिकवाली से एशियाई मार्केट में गिरावट गहरा गई है। जापान का बेंचमार्क इंडेक्स निक्केई 300 और हांगकांग का इंडेक्स हैशटैग 500 अंक लुढ़क गया है। सिंगापुर में ट्रेड होने वाला एसजीएक्स निफ्टी भी 70 अंक की गिरावट के साथ 7,367 पर कारोबार कर रहा है। जापान का इंडेक्स निक्केई 360 अंक की गिरावट के साथ 16,687 पर कारोबार कर रहा है। वहीं सिंगापुर का बेंचमार्क इंडेक्स स्ट्रेट्स टाइम्स 1.62% की गिरावट के साथ 2,596 पर आ गया है। आरबीआई ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी गलती की है। सेंट्रल बैंक ने 30,000 करोड़ रुपए की कीमत के गलत नोट छाप दिए हैं। ये गड़बड़ी 1,000 रुपए के नोटों में हुई है। ये नोट बिना सिल्वर सिक्योरिटी थ्रेट के छापे गए हैं। 30 करोड़ नोट में से 20 करोड़ तो रिजर्व बैंक के पास है, लेकिन 10 करोड़ नोट बाजारों में जारी किए जा चुके हैं। गलती का पता चलने के बाद आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटों को जलाने का फैसला किया है। अगर आपके पास भी ऐसा नोट आ गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई बैंक ऐसे नोट एक्सचेंज करने का आदेश दे चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का दिसंबर में समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 38% बढ़कर 7,290 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ये 7 साल का उच्च स्तर है। कंपनी ने बयान में कहा कि अक्टूबर दिसंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 24.8 रुपए प्रति शेयर रहा है। यह इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 5,256,00,000 रुपए प्रति शेयर के लाभ की तुलना में 38.7% अधिक है। और अरबपति मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस जियो ने उनके छोटे भाई अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन से स्पेक्ट्रम भागीदारी के लिए रणनीति करार किया है। इससे कंपनी द्रुत गति की दूरसंचार सेवाओं की पेशकश कर सकेगी। दोनों कंपनियों ने घोषणा की कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और रिलायंस कम्युनिकेशन ने 9 सर्किल्स में 8,000 MHz बैंड में स्पेक्ट्रम आवंटन में आरकॉम से RJIL की ओर बदलाव के लिए करार पर दस्तखत किए हैं। इसके अलावा दोनों कंपनियां 17 सर्किलों में 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम साझा करेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। EMS TV की बाकी खबरें आप EMS TV की वेबसाइट के साथ साथ हमारे ऐप्स पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।